वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। सो जैसा कि आपको पता है कि हम स्टेप बाय स्टेप पावर पिवट को सीख रहे हैं और ये हमारा एपिसोड नंबर 4 है, जिसमें मैं आपको जो कैलकुलेटेड कॉलम्स होते हैं उनको हम किस तरह से ऐड करते हैं हमारे इस टेबल के अंदर, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसा कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि यहाँ पे मेरे पास रिटेल सेल है और मेरे पास होल सेल है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास टोटल सेल आ जाए, तो उसके लिए मैंने क्या करना है, सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे डबल क्लिक करके जो मेरा ये कॉलम है ना, इसका मैंने नाम लिखना है। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे आके अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, ये देखिए मैंने 11 लिखा, इसको मैंने इंटर किया तो इसने मुझे कह दिया कि द फॉर्मूला मस्ट स्टार्ट विद एन इक्वल साइन, यानी कि फॉर्मूला किससे शुरू होएगा जी, फॉर्मूला इज इक्वल टू के साइन से शुरू होएगा। सबसे पहले तो मैं इसका यहाँ पे नाम चेंज करता हूँ, मैं कहता हूँ कि ये मेरी टोटल सेल्स है, और उसके बाद इंटरप्रेस किया मैंने। इंटरप्रेस करने के बाद मैं यहाँ पे ये फॉर्मूला बार में आया, सबसे पहले इज इक्वल टू का साइन आ जाएगा। अब इसमें सेल रेफरेंस यूज नहीं होता, अगर हम सिंपल एक्सेल की बात करते हैं ना, तो वहां पे आप एक सेल का रेफरेंस देके दूसरे सेल के रेफरेंस के साथ उसको जमा करते हैं तो वो वहां पे सेल रेफरेंस हो रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे सेल रेफरेंस नहीं होता, यहाँ पे कॉलम का मैं रेफरेंस दूंगा। यहाँ पे मैंने इसको कहा कि इज इक्वल टू जो ये रिटेल है ना, इसमें जमा कर दो ये जो होलसेल है, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पे इन दोनों को जमा करेगा, यहाँ पे इन दोनों को जमा करेगा और यहाँ पे टोटल सेल्स मुझे शो कर देगा। तो इस तरह से ये बेसिकली ये एक कैलकुलेटेड कॉलम मैंने बना दिया है। ये अभी आप देखें इसका कलर भी ब्लैक है, यानी कि इसका कलर ये जो बाकी है उनसे डिफरेंट है, तो ये एक कैलकुलेटेड कॉलम है। अगर मैं दोबारा अपनी रिपोर्ट में आता हूँ और यहाँ पे मैं ये शो फील्ड लिस्ट करता हूँ, तो अब देखें यहाँ पे मेरे पास ये टोटल सेल भी आ रही है, पहले यहाँ पे टोटल सेल नहीं थी, तो मैंने इसको यहाँ पे अगर ऐड करता हूँ ना, तो ये देखें ये मेरी टोटल सेल आ जाएगी। अगर आप इन दोनों को जमा करते हैं तो यहाँ पे देखें इनकी जो एडिशन है 5760 है, तो ये 5760 ये सही आ रही है। अब इसकी हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब मिसाल के तौर पे मेरे पास ये दूसरा टेबल है, यहाँ पे जो मेरे ब्रांड है ना उनकी प्राइसेस भी आ रही हैं। तो मिसाल के तौर पे अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे ना यहाँ पे जो ये सेल है, इस सेल की उस प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट निकालनी है, टोटल अमाउंट मुझे निकालनी है, तो वो मैं किस तरह से निकालूंगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे प्राइस ले आता हूँ कि यहाँ पे ना मुझे प्राइस चाहिए। किसकी प्राइस चाहिए, इस ब्रांड आईडी की, कि जो ये वन वाला ब्रांड है, वन पे सुपर है। मैंने इसको एंटर किया यहाँ पे ताकि मैं प्राइस ले आऊं। अगर यहाँ पे आप देखते हैं ना, तो जहाँ पे वन है सुपर है, तो सुपर की जगह पे प्राइस 30 आनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे आया, यहाँ मैंने ये इसका नाम रख दिया, फिर मैं इक्वल टू प्रेस करता हूँ, यहाँ मैंने कहा रिलेटेड, यहाँ पे मैं रिलेटेड का फॉर्मूला लगाऊंगा। अब ये रिलेटेड इसको खुद ही पता चल जाएगा इस टेबल का रिलेटेड कौन सा है, तो उसका रिलेटेड ये है। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे ब्रांड की, ये वाली ब्रांड की प्राइस चाहिए। तो मैं अगर ये एंटर करता हूँ तो मुझे इसने यहाँ पे ब्रांड की प्राइस देती है, ये देखें जैसे ये वन है तो वन की प्राइस 30 है, ये टू की प्राइस 25 दे रहा है, तो आप यहां से देख लें ये टू की प्राइस कितनी है, 25 है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैंने यहाँ पे लिखा कि जो टोटल रेवेन्यू है, यानी कि सेल्स का जो टोटल रेवेन्यू है वो मैंने कैसे निकालना है, मैं इसको इंटर किया है, फिर मैं इक्वल टू करता हूँ। इक्वल टू करने के बाद मैं क्या करूंगा कि जो ये मेरी टोटल सेल्स है ना, ये मेरे 32 कार्टन सेल हुए हैं इस एक नंबर ब्रांड के, यानी कि सुपर ब्रांड के, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। यानी कि मैं यहाँ पे आऊंगा, यहाँ पे आके मैंने किया इक्वल टू, और मैंने कहा कि जो मेरा ये वाला कॉलम है ना, मैंने इसको कहा कि ये जो मेरा टोटल सेल वाला कॉलम है ना, ये टोटल सेल वाला कॉलम, इसको मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, जो मेरा ये प्राइस वाला कॉलम है। तो अगर मैं इसको इंटर करता हूं तो यहां पे इसने उसकी प्राइसेस दे दी हैं, टोटल रेवेन्यू दे दिया है मुझे, यानी कि अगर आप इस 32 को 30 के साथ ज़रब करेंगे तो ये 960 मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, 960 आएगा। तो बेसिकली मैंने क्या किया है कि मैंने इसके अंदर अपने कैलकुलेटेड कॉलम्स को ऐड किया है। होप सो कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी होगी, और आप इस डेटा के ऊपर भी इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और अगर आपके पास कोई डेटा है तो वहां पे भी आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बेसिक चीज कॉन्सेप्ट को समझना है कि आपके पास कोई डेटा है तो उसका जो कैलकुलेटेड कॉलम आपको रिक्वायर्ड है वो आपने कैसे बनाने हैं, वो मैंने आपको इसमें बता दिया है। तो अब अगर मैं अपनी इस रिपोर्ट में वापस आता हूं और यहां पे मैं देखता हूं, तो ये मुझे टोटल रेवेन्यू यहां नजर आ रहा है। अगर मैं इसको यहां पे इंटर करूंगा तो भी आप देख सकते हैं कि जो कैंडी की सेल्स हैं वो इतनी हैं, जो सुपर की सेल्स हैं वो इतनी हैं। तो इस तरह से मैं कैलकुलेटेड कॉलम्स जो है वो बना सकता हूं इसमें। तो आज के इस एपिसोड में हमने हमारे जो कैलकुलेटेड कॉलम्स हैं उनके बारे में हमने जानना था, जो हम ऑलरेडी जान चुके हैं। आज के एपिसोड में यही है, नेक्स्ट हम इससे आगे चलेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू, गुड बाय।